जहां राज्य की त्रिवेंद्र सरकार गरीब परिवारों को सरकारी सुविधाएं देने के दावे कर रही है, वहीं आज भी ऐसे परिवार हैं जो सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधा गरीब परिवार वालों के पास तक आते आते दम तोड़ देती है, या फिर कहें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर विकास खंड के रोहाल की निवादा गाँव का है, जहाँ आज भी लोग मिट्टी के कच्चे घरों में रहकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ बिजली पानी शौचालय जैसी सुविधा से आज भी वंचित है। यहाँ जवान बेटियों वाला परिवार सोच को अब भी खेत में जाता है। इन परिवार वालों का कहना है कि इन्हें आज तक सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिली और न ही ग्राम प्रधान द्वारा मिली। आखिर गरीब परिवार किस अधिकारी के पास अपनी कठिनाई भरी जिंदगी की दास्ता सुनाए? आखिर कौन फरियाद सुने इस परिवार की? वहीं पीड़ित बताते हैं ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारियों तक सबको कच्चे मकान के बारे में बता चुके हैं, लेकिन गरीब की कोई सुनने को तैयार नहीं। सवाल बहुत बड़ा है, आखिर आला अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठने की ड्यूटी के लिए रखे जाते हैं या ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए? ये तो सरकार ही बता पाएगी। मीडिया ने तो जनता की समस्याओं को उजागर कर अपना फर्ज बखूबी निभाया, अब देखना यह है कि क्या अधिकारी भी अपना फर्ज निभा पाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ नहीं, बिल्कुल पड़ा। अच्छा, किसी ने आज तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। प्रधान भी आया जी? हाँ, प्रधान आया, आगे कह कर सक कुछ नहीं, बिल्कुल भी। दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा, जिस वक्त बारिश बरसे हमें इतनी परेशानी है, बस हमारे को कुछ नहीं कहा जाता। जहाँ प्रधान पर जहाँ वो नहीं हमारी सुनता, दूरे परे कुछ जो फिर में कहाँ कहाँ में जा लिए हम, चलो हमारे मकान की कोई वाली नहीं है। तो कब से कच्चा है? पहले से ही कच्चा है जी, पहले से ही कच्चा। शौचालय है आपके पास? बाथरूम ना जी, जा भी गिरी पड़ी। रात में हमारे घर चुहा प्रधान के यहाँ जा, प्रधान भी कोई सुविधा नहीं देते। मैं बोल रहा हूँ कि जब घर आवागा जब देंगे। अब्बा जी भी मेरे 5 साल से खाट पर बैठे, पूरे गांव में शौचालय है, हमारे यहाँ ये भी नहीं है। 5 बहन हम बाहर जाना पड़े मजबूरी में, बताओ क्या करेंगे हम। भाई छोटा घर घूरने आ रहा हमारा कुछ भी,